हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम वीडियो करने वाले, पॉडकास्ट करने वाले हैं। पुनीत को पिल्ले ने भी क्रिंच बोल दिया। हमारे पुनीत को सर को पिल्ले ने क्रिंच बोल दिया। पिल्ले कौन? नहीं, 1 2 3 प्ले। चलो देखते हैं, आइए देखते हैं। तो लास्ट टाइम तो बहुत मारी थी यार उसकी बेचारी। अब देखते हैं। ये 4 दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया, कह रहा है ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा, और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पर। अच्छा अहमद भाई, आपने कॉल की थी, आपने ये तो नहीं बताया था ये दोनों भी होंगे? बात आपसे ये हुई थी, मैंने फोन पे बात की, प्रोफाइल इंटरव्यू है, लेकिन अब वो दोनों आ गए तो मैं उनको समझा भी कराऊं। संजय तुम तो बीच में बोले ही नहीं, यकीन करो मेरे कमेंट पर सारे ये बोले ये दाढ़ी वाला सारा फुफो बना हुआ ये मजे ले रहा होता। अभी मैं तो बात कर रहा हूँ। सर आप मुझे बताएं कि अगर दुनिया में 2 लड़के हो सिर्फ, एक पिल्ला और एक क्रिस गेल, तो आप दोनों में से किससे शादी करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं मैं अवेश की थी, अवेश की हूं, अवेश की रहूंगी। ओह क्रिस गेल, बिग बॉस, बिग बॉस। हाँ उसमें अभी आया हुआ है, क्या नाम है उसका? वो ये पुनीत की बात कर। हाँ ये पुनीत, ये तो पूरा कंटेंट इसका क्रिंज है। आप मेरा ही कंटेंट देख लो, आप खुद जाके मेरा कंटेंट, यकीन करो मेरे कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात करता है ना, फिर मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं क्यों बोल रहे हो। देखो यार बकरा चेक कर ले तो। हाँ बकरा चेक कर, अभी तुमको क्या बरखट भाई को चेक करके दिखाओ। रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे, कैमरे में, सही है? आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो अब। बच्ची हम पागल खाने का, हमने देखा एक पागल कुछ लिख रहा था। मैंने बोला क्या लिख रहा है? कह रहा खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहा है? अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला पढ़ के बता। अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों? अभी मुझे मिला कहाँ है। जॉइंट फैमिली में शादीशुदा लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि बगैर आवाज निकाले पापड़ भी खा लेती हैं। मुंह दिखाई में क्या दोगे? मैं मुंह दिखाई में इनको दूंगा आसरा। नहीं सॉरी, गलत बात नहीं करो, मुंह दिखाई में इसको लेके जाऊंगा दुबई। अगर ये पिल्ले स्टीवर्ड होता तो क्या होता? ये स्टीवर्ड होता ना, आप यकीन करो ये फ्लाइट से पहले ही कह रहा होता मुझे कोई पैसेंजर काम का ना बोले, मेरा ऊंचाई में दिल घबराता है। अवेश तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। नहीं अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, और अस्सलाम वालेकुम उज़्मी भाई, बरकत भाई। वालेकुम सलाम। और ये शो जो है ये वजाहती शो है। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, इस शो में बकायदा हम एक्सक्यूज करने के लिए बुलाया है हमने 3-2-1 पिल्ले को। अरे ठीक है, आप देखें मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, थोड़ा सा हम परहेज करेंगे क्योंकि पिछली दफ़ा जो हुआ पिल्ले के साथ यहाँ पे उससे क्या कहते हैं। नहीं मैं पहले तो सॉरी टू कट यू, मैं एक बात करना चाहता हूँ पिल्ले भाई, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता आपने एक जुमला कहा था, आपने कहा था बरकत साहब मुझे बेइज्जत कीजिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। आपको तो हमदर्दी मिल गई, हमें गालियाँ पड़ गई, तो मैं लेकिन मैं माजरा चाहूंगा आपसे, तो प्लीज आप बड़ा दिल करके माफ कर दीजिए। और इस बार जो होगा उसके लिए एक शो और रखना पड़ेगा। नहीं इस बार नहीं होगा। देखो पिल्ले, मैं जो है क्या कहते हैं पुरानी जितनी भी जलालत हुई उसकी माफी मांगता हूँ और अगली शुरू करता हूँ। बरकत भाई मैं अभी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बी योर सेल्फ। इंग्लिश बेटा, इंग्लिश वो इंग्लिश बोलिए। अच्छा इसने बोले क्या बोला है? बिहेव योर सेल्फ बोला है। बिहेव योर सेल्फ, देख बेटा इंग्लिश वो बोलते हैं जिनके रिश्तेदार बाहर होते हैं, तेरे सारे जेल में वो भी यही बोलने की वजह से गए थे। हाँ बस करो, तमीज से बात करो मेरे मर्द से। बकरा ईद आ रही है, बकरा इसने अभी तक लेकर नहीं दिया इस बिचारी को, तो पूरी दुनिया बकरे ले रही है, जानवर ले लिए कुर्बानी के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात, लेके नहीं दिया अभी तक, नहीं लेकर देना, ये आपको बकरा लेकर देगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि 2 साल मुसलसल बकरा ईद पे इसके साथ ट्रेजेडी भी है। क्या 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 भाई, ये पिछले साल कुर्बानी के लिए बकरा लाया, इसका बकरा इतना कमजोर था चांदरात को बिल्ली उठा कर ले गई, फिर ही कुर्बानी के लिए बकरा लाया। आप यकीन करो इसका बकरा इसका तौलिया खा गया, ये 5 दिन तक बकरे से मुंह पोछता रहा। तीसरी बार फिर बकरा लाया, तौलिया हाथ में आ गया इसके। अबे यार, अबे तुम यार यकीन को इतना बोलते हो जैसे कसम खुदा की बंदर चर्च पी के पागल हो गया हो। अरे यार ये बात बोली किसने? आप ये तो देखो इतना बोलते हैं, इतना बोले जैसे गधा 2 दिन से सोया ही नहीं हो। अच्छा अबे एक काम करना, आप दोनों के साथ सोना।
एक बात नोट करे बरकत भाई, भाई ये तैयारी से आया इस दफा पूरी। अच्छा आपको बताओ ये इतना कोड़ावा क्यों है? क्यों? ये चार दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया, कह रहा है ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे। ये कड़ा ये कुड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सॉरी टू से मंगेतर बुरा माने। देखो सर ये पता है ये इसका रूटीन वर्क है, देखो मेरा भी रूटीन वर्क है भेजा था ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, आप इससे शादी कर रही हो तो आपको किसी ने कहा है कि इसके बाद अब दुनिया में अच्छा लड़का नहीं आएगा, ये आखिरी अच्छा लड़का है, मतलब लड़के आना बंद हो गए या नहीं आएंगे, तो क्यों कर रही हो? वजह मेरी नजर में तो ये सबसे अच्छा, अरे लव मैरिज है। अच्छा लव मैरिज है। अच्छा आप अच्छा बात में प्यार अंधा होता है ना, प्यार अंधा। अच्छा देखें मैं आप दोनों की लव मैरिज एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर आप मुझे बताएं कि अगर दुनिया में दो लड़के हों सिर्फ, एक पिल्ला और एक क्रिस गेल, तो आप दोनों में से किससे शादी करेंगी? कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं मैं अवेश की थी, अवेश की हूँ, अवेश की रहूंगी। क्रिस गेल गेल अब जाएगा तू जेल। यार इन्हें क्रिस गेल भी अच्छा है, ऐसी बात तो नहीं, पैसे वाला है ये, क्या है ये भी तो पैसे वाला है, इसलिए गाय को पैसे वाला है, बकरा खरीद के नहीं दे रहा। अरे बकरा इसीलिए नहीं खरीद के दे रहा हूँ ना, असल में पता है बात क्या है? क्या? मैं बकरा खरीदना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे दिल करे ऊंट खरीदने का। ऊंट खरीदना चाह रहा? अच्छा अभी उसके नीचे मेरा अभी इसीलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि अभी महंगाई बहुत है ना मंडी में, ईद के चौथे दिन जाकर खरीदूंगा। चौथे दिन? कुर्बानी तीसरे दिन तक होती है। तीसरे दिन तक नहीं ये पालेगा, अगले साल करेगा। अच्छा एक बात बताओ पिल्ले, यार मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया से बड़ा प्यार आ रहा पिल्ले को। अरे भाई इंडिया भाई तो यार। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया में बहुत पसंद कर रहे हैं यार पिल्ले शहर। आप दोनों की वीडियो पे 30-30 मिलियन व्यूज है इंडिया में, माशाल्लाह 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 यार। क्या बोलना चाहोगे इंडियन ऑडियंस को? यार इंडिया के लिए तो लव है इंडिया, इंडिया की कंट्री है ना बहुत वीआईपी कंट्री, इंडिया के लोग बहुत प्यार देने वाले का। वाह 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 वाह। लेकिन यार एक बार मुझे समझ नहीं आती अभी ये जो ये बिग बॉक्स है कौन है इसमें? बिग बॉस, बिग बॉस। हाँ उसमें अभी ये आया हुआ है, क्या नाम है उसका? वो ये पुनीत की बात कर, हाँ पुनीत जो है अभी बिग बॉस। हाँ ये पुनीत, इसमें इसका कंटेंट तुमने देखा है मत भाई? क्या कंटेंट है इसका? कंटेंट यकीन करो ये बिग बॉस में आने लगा इसकी थोड़ी वीडियो, मैंने इसका कंटेंट जाकर चेक किया, ये तो पूरा कंटेंट इसका क्रिंज है। क्या क्रिंज कंटेंट? मतलब वो तो कंटेंट क्रिएटर है, वो क्रिएट बनाता है, आवाम पसंद कर रही है उसको। आवाम पसंद कर रही है लेकिन यार उसका कंटेंट ही पूरा क्रिंज है, मैंने खुद देखा। क्रिंज क्रिंज मतलब बकवास, आप कह रहे हैं जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं। हां ऐसा आप मेरा ही कंटेंट देख लो, आप खुद जाकर मेरा कंटेंट यकीन करो, मेरे कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा भाई? ये बात करता ना फिर मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं क्यों बोल रहे हो, देखो यार। नहीं बरकत भाई आप अपने कंटेंट से क्या सिखाते हो लोगों? क्या सिखाते हैं? मतलब कि मतलब पान चबाना सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? मैसेज पहुंचना लोगों तक। नहीं मतलब कि कुछ सीखने को मिलता तो सीखने को मिलेगा उसके कंटेंट से, मेरे को पता क्या सीख। वो पानी में जाके लेट रहा है, भोगना उसने शुरू किया, ये किस चीज करेगा? पूरा क्रिंज है, पूरा क्रिंज है। लेकिन यार लाके किसके आगे खड़ा कर दिया पता है तुम्हारे को? भाई सलमान खान के, यार तुम उसको क्रिंज बोल रहे हो लेकिन तुम ये तो देखो कि वो सलमान खान के आगे खड़ा हुआ है और अपने स्टाइल में कर रहा है। मतलब सलमान खान से वो घबराया नहीं है। लेकिन एक सेकंड अगर तुम्हें खड़ा कर दे सलमान खान के सामने कितना प्रेशर होगा भाई? यहाँ नहीं खड़ा हो पाता। बात सुनो भाई, मेरे को कोई भी प्रेशर नहीं होता। वो अगर इंडिया का सलमान खान है ना और मैं भी उसके सामने खड़े होके ये बोलता 3-2-1 पिल्ले हूँ, 3-2-1 पिल्ले, किस चीज का? देखो हाँ। अब लोग बोलते हैं कि क्यों बोलते हो? यार मैं बताऊँ अगर उसके ये गुद्दी पे चवाड़ मारेगा सलमान खान, अरे उसे गुद्दी मिलेगी नहीं। इसको देख के ईमानदार से बताओ, क्या आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे मोमबत्ती पिघल चुकी है? आप ये वो मोमबत्ती है जो ना भी जलाओ तो भी पिघलती है। अच्छा इसकी आपको पता है इसकी दहशत इतनी है, इसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ सकती। क्यों क्यों? अरे मक्खी इसके पास पहुंचने से पहले बेहोश हो जाती है। हाँ। अच्छा अपना वैसे पिल्ले ये बताओ कि बकरा चेक कर लेते हो? बकरा चेक अभी तुमको क्या बरखत भाई को चेक करके दिखाओ? पूरी तैयारी से है। अच्छा ये आपकी टाइमिंग क्या है चेक करने की? आप यकीन करो ये हेड ड्रेसर के पास गया, हेड ड्रेसर ने पानी का स्प्रे मारा, ये पिछली दीवार से गिर गया। हुआ था ऐसा? अच्छा बेटा फर्ज करो अल्लाह करे आपकी इससे शादी हो जाए, हमारी दो हम सब की अल्लाह करे शादी हो जाए, अल्लाह ना करे शादी के बाद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर ये बीमार हो जाए और डॉक्टर बोले कि भाई इसका इलाज जो है ना वो सिर्फ दूसरी शादी है, तो आप इलाज करवाओगी या मरने दोगी? बेटा जवाब दो। सवाल है भाई, सवाल है
आपने हमेशा शो जो है टीवी में देखा है हमारा, आज आप लाइव बैठी में कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है यहाँ पे बैठ के? रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे कैमरे में, सही है, आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो आप। इंसान की बच्ची बन, तू तेरे को मैं यहाँ पे लाया था, मेरा बदला लेगी तू भी उनके साथ मिली। मेरे अच्छा। का ये मतलब नहीं है, मैं देखूंगी, मैं तो बताऊंगी, तुम्हारी साइड पर हूँ यार। ये आप दोनों को सामने करो, मैं जवाब दूंगी। अच्छा सर जी, जब आप इसका हाथ पकड़ती हैं तो आपको क्या फीलिंग होती है, आपके अंदर क्या के मुहाफिज साथ हैं? मुहाफिज साथ हैं, हाथ पकड़ती है पिल्ले का, हाथ पकड़ते दुनिया साथ है। अगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर आपकी इससे शादी होगी ना, ये सारा खर्चा आप पे करेगा, सारा खर्चा आप पे करेगा, इसका कुछ खर्चा ही नहीं है। पिल्ले का खर्चा क्या है? क्या पूरे महीने में इस पे सिर्फ 200 रुपए खर्च होता है, 150 रुपए की ड्रिप लगती है और 50 रुपए का बाजरा यूज होता है। और बाजरा भी नाक से चुनता है, ये इसमें क्वालिटी है, ये एक कप पानी से भी दो दफा नहा सकता है। मैंने तो एक बार भी नहीं देखा ड्रिप लगी है, उसको कब लगी है? लगी थी पीछे से निकल गई थी। अच्छा पहले एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक पेंटिंग बना के दूं, खूबसूरत सा समंदर हो, दरख्त लगे हुए हो और एक बंदा आपको खींच के पानी में ले जा रहा हो, तब आप नहा लोगे? अच्छा अच्छा, शावर से नहाना पसंद है या बाल्टी से? हाँ शावर से। शावर, अरे इसने एक बार मुंह पे पानी मारा, पानी मुंह धोने चला गया। स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, सारा पानी काला हो गया। अच्छा, ऐसा नल खोला, इतनी बदबू पानी से देख के वापस नल में। हाँ, और फिर आपके नल में आ गया। ये जो शहर है ना, हाँ, ये प्यार में पागल इसके। हाँ, पिल्ले हम पागल खाने का, हमने देखा एक पागल कुछ लिख रहा था, मैंने बोला क्या लिख रहा है? कह रहा खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहा है? अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला पढ़ के बता, अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों, अभी मुझे मिला कहाँ है? हाँ, तो मतलब इस तरह की कोई बात हुई, कभी आप किसी दरख्त पे चढ़े हो, बाद में पता चला वो दरख्त नहीं है, फिर आपने कहा जब मैं चढ़ गया तो चलो एंजॉय। अरे बड़े दरख्त को देखकर कह रहा है, जब मैं छोटा था ना तो इस दरख्त पर आसानी से चढ़ जाता था। मैंने बोला कैसे? कह रहा उस वक्त ये दरख्त भी छोटा होता था ना। हाँ। तो पिल्ले कभी चढ़े दरख्त पे? चढ़े दरख्त पे नहीं चढ़ो। आप यकीन करो, आपको पता नहीं है सर, ऐसे बंदे को ना, ऐसे बंदे को खोलकर दोबारा फिट करने से बेहतरीन ख्वाजा सारा तैयार हो जाता है। अच्छा कभी नीम के दरख्त के नीचे से गुजरे हो, ऊपर से आवाज आई, पिल्ले कहाँ जा रहे हो, ऊपर आओ ना। हाँ आइए चुड़ैल के, चुड़ैल। अच्छा सर एक बात बताओ, ईमानदार से बताओ वजह, शादी की वजह, शादी की वजह, शोहरत, ऐसी वजह शोहरत? हाँ, हाँ, नहीं, 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 सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, भाई के ऊपर नहीं, नहीं, शहर ने ये देखा कि ये इतना लोग उस पर फिदा है, 3-2-1 पिल्ले सब कर रहे हैं, तो पहली वजह बनी मोहब्बत की शोहरत, उसके बाद फिर मोहब्बत हुई जो सही वाली मोहब्बत होती है। अच्छा मुझे बताओ शहर बेटा, शादी के बाद आप इसके साथ अकेली रहोगी या फिर जॉइंट फैमिली में? जैसे रखेगा ये वैसे रहूंगी। तुम कैसे रखोगे भाई जॉइंट फैमिली में? असल मैं शेर को रखूंगा, उस पे एक पिंजरा बनाऊंगा, उसमें रखूंगा इंसान का बच्चा, बन पिंजरा बना, उस पिंजरे में इसी को बंद कर दूंगी। ये चिड़ियाघर में इसके हो गए ना, इसके दादा पोत हुए चिड़ियाघर में, हाँ शेर खा गया, शेर के सामने जाके बोले अबे इतनी बड़ी बिल्ली खा गया शेर। अरे मुझे इसका पता है, घर में इसके दादाजी मुसलसल खांसे जा रहे, खांसे जा रहे, उनको पानी नहीं दे रहा, उनसे जाके पूछ रहे दादाजी ये खांसी का बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। अच्छा ये जॉइंट फैमिली की आपने बात की ना, मैंने देखा जॉइंट फैमिली में शादीशुदा लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि बगैर आवाज निकाले पापड़ भी खा लेती हैं। मैं बताऊं जॉइंट फैमिली में मूंगफली छीलने की भी आवाज नहीं आती कमरे से बाहर। अच्छा अच्छा ये इतना पाउडर क्यों लगाते हो इस पे, आप कैरम बोर्ड खेलती हैं? अच्छा मैंने पिल्ले का देखा है, मैंने एक बात बताऊं सर, मैं पिल्ले डरता उड़ता नहीं है। अरे एक बार ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था, इसके पीछे कुत्ता लग गया, मोटरसाइकिल भगा नहीं रहा, मोटरसाइकिल स्लो करके कुत्ते से करा है, अगर तुझे रेस लगाने का शौक है ना तो तू भी मोटरसाइकिल खरीद ले। ये इसके मैं बता रहा हूँ दहशत, अबे दहशत बहुत है मेरे भाई। क्या है, एक दफा मेरे आगे आगे भाई 50 बंदे। हाँ तूने बोला पीछे, आपने पीछे वाले नहीं बताओ, पीछे वाले तो बताओ। सुनो तो सुनो यार, कोई बात सुनो, आगे 50 बंदे और मैंने क्या किया पता है? 50 के आगे मैंने चप्पल उतारे, ऐसा भागा यकीन को किसी के बाप के हाथ में नहीं आया। वाह 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 वाह, दिमाग क्वालिटी है सर, दिमाग चल रहा है। आप इसको 10 मिनट गौर से देखो, आपको जिंदगी भर डेंगू नहीं होगा, ऐसी क्वालिटी कहाँ होगी। अच्छा मुंह दिखाई में क्या दोगे? मैं मुंह दिखाई में इनको दूंगा आसरा, नहीं सॉरी
क्या दोगे? बात नहीं करो, मुंह दिखाए मैं इसको लेके जाऊंगा दुबई, पूरी दुबई में विजिट कराऊंगा। ये देखे विजिट विजिट वीजा तो मेरा ख्याल होता ही कम टाइम का है, पूरा दुबई कैसे घूमूंगा? 58 दिन का होता है। टेक्निकल गलती है किसके अरमान में, मैं ज्यादा दिन का करवाऊंगा ना यार, ज्यादा दिन का करवाएगा है ना। बाप तो तुम्हारी डाइट क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं कि मतलब सुबह क्या खाते हो, दोपहर को क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो। मेरी डाइट का नहीं पूछो भाई, मेरी डाइट बहुत खतरनाक है, कोई भी नहीं खा सकेगा। क्या क्या है? ये 3-4 खजूर, 5 अखरोट, 5 बादाम, 5 काजू। तो ये और 2 घंटे अरबी भी बोलता है भाई इसके। नहीं तो भाई, तो ये तो अरबी है, तो ये शेखों वाली डाइट है इसकी यार। ये बहुत बुरी बात है, आप लोग कंटिन्यू आप उस पर झुकते मार रहे हैं, ये बुरी बात है। मैं इस बात को कंडेम करता हूँ, और मैं कंडेम करता हूं। अब ये नसीहत करता हूँ आपको कि भाई इतनी झुकते ना मारे, अगले का भी स्टेमिना होता है बर्दाश्त करने का। अरे यार, ये जब स्नूकर खेलने जाता था लोग डंडियां छोड़ के इसको उठा लेते हैं। अच्छा हिम्मत भाई, आपने कॉल की थी, आपने ये तो नहीं बताया था ये दोनों भी होंगे? तुमने कहा था कि ये दोनों बरखत और उसमें नहीं होंगे, तुम दोनों का हुआ नहीं, ये प्रोफाइल बात आपसे ये हुई थी, मैंने फोन पे बात की, प्रोफाइल इंटरव्यू है, लेकिन अब वो दोनों आ गए तो मैं उनको समझा भी कराऊं। समझा, तुम तो बीच में बोले ही नहीं, यकीन करो मेरे कमेंट पर सारे ये बोले, एक दाढ़ी वाला सारा फुफो बना हुआ ये मजे ले रहा होता है बीच में। अभी मैं तो बात कर रहा हूँ यार, देखिए अब आप जो जुगत माननी है ना आपने। ऊंट पे बैठने का मजा आता है, घोड़े पे या लोमड़ी पे? ये क्या गलत बात कर रहे हैं, होती है ना आपकी साइज की होती है लोमड़ी पे? अच्छा मैं उस पे बैठना पसंद करता हूँ, घोड़े पे। घोड़े पे अंग्रेज पे नहीं, इसकी क्लास है यार, इसको मैं बता रहा हूँ ये बेटा, अगर आपको पता चल जाए ना ये क्या चीज है, आपको अंदाजा नहीं है आप किससे शादी कर रहे हो। अंदाजा है इसको, अंदाजा हो जाए ना मैं क्या चीज हूँ, ये खुदकुशी कर ले। अब आपकी बारी है बेटा, ये क्या बोल रही है, क्या बताओ क्या चीज हो? बहुत ऊपर की चीज है। अच्छा ये मैं इसके आपको किससे बता रहा हूँ, देखो मैं आपको किससे बता रहा हूँ, बैंक में डकैती पड़ गई, काउंटर पे जाके घर घर मेरे पैसे निकाल कर जो पैसे बचे वो इनको दे, रोड पर गिरे हुए अंडे उठा रहा था, मैंने इसको बोला सड़क पर गिरे हुए अंडे नहीं उठाते, ये सत्य के होते, ये क्या कर रहा है? नहीं, अगर इसका आमलेट बना लिया जाए ना तो ये सत्य के नहीं रहते। मेरे साथ पीसी होटल गया 2 दिन पहले, बताना, पीसी होटल का दरवाजा खोला, अंदर जाते ही स्लीप हो गया, कह रहा हॉस्पिटल तो बड़ा कमाल बना। अबे मैंने कहा हॉस्पिटल नहीं भाई, होटल है, 5-स्टार होटल। अबे ये तो अभी थोड़ा ऐसा हो गया, जब ये पैदा हुआ ना इतना और भी पतला था, छोटा था, इसकी अम्मी से डायपर नहीं सनी प्लस लगाती थी। आपको पता नहीं इसमें, वो भी 3 दिन चलता था, और आपको पता नहीं इसमें क्वालिटी क्या है? क्या क्या क्वालिटी है? क्या ये ऐसा बंदा होता है बीए करके ख्वाजा सरा भी बन जाता है? ख्वाजा सरा यकीन करो, पूरा मेकअप वगैरह करो, तुम पूरा ख्वाजा सरा लगते भी हो। अच्छा ये गलत बात है, वो तू भी तो कर रहा है, फिर वो करेंगे उंगली, फिर तू बोलेगा। तो उनको बोल रहा है आज मैं चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया। मेरे को पता है बरकत छुपी नहीं होता, बोलने नहीं देता, मेरे को खुद बीच में बोलना पड़ेगा। अच्छा पिल्ले, कमोड पे बैठना पसंद करते हो डब्ल्यूसी पे? डब्ल्यूसी पे क्यों, कमोड पे अंदर चले जाते हो? कमोड बड़ा है ना। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो पिल्ले है ना, इसकी शोहरत में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। कैसे? ये मशहूर होता जा रहा है दिन ब दिन यार, आप इसके व्यूज चेक करें। है शहर, आप क्या बोलेंगे? आप सिर्फ 5 साल रुक जाएं, ये पूरी इंडस्ट्री पे ना छाया हुआ होगा। पूरी इंडस्ट्री में मतलब बड़ी फिल्में कर रहा होगा, बड़ी-बड़ी फिल्में कर रहा होगा। ये तो छोटी है, अभी तो फिलहाल छोटी-छोटी फिल्में भी नहीं कर सकता ये। नहीं, बड़ी-बड़ी फिल्में आ रही होगी तो रुक जाओ, 11-11 घंटे की है। नहीं मजाक कर रहा हूं, बात नहीं करो तुम, कुछ साल रुक जाओ, कुछ साल रुक जाओ, उसके बाद फिर हमेशा के लिए रुक जाएंगे हम लोग। कितनी बड़ी फिल्में होंगी उसकी, क्या साइज होगा? मतलब क्या होगी, 2 घंटे की लेकिन मैं एक बार, मेरी फिल्म ना यूट्यूब वगैरह पे नहीं आएगी, मेरी फिल्म आएगी साइडों पे। साइडों पे? हाँ आएंगी बेटा, साइडों पे। अच्छा ऐसे आदमी को जो ना मतलब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आएगी, साइड पे छुपा के रखी होगी। अच्छा पहले एक बात बताओ, आपके घर में आपके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो फजूल है? अच्छा ऐसे बंदे को जो ना घड़ी के सेल से भी करंट लग जाता। अच्छा अच्छा एक बार बात सुनो, एक बार ये बरखत भाई चले गए बैंक में, ठीक है, बैंक में सही है, इसको बैंक वालों ने वहां से मार के निकाला। पूछो क्यों? बोलो वहां पे चले गए नकली पैसे जमा करवाने, और बैंक वाले बोले भाई नकली पैसे, बोले भाई क्या हो गया, मेरा अकाउंट मेरी मर्जी।
हाँ ये सही बात है ना, अकाउंट अपना है तो क्या नकली पैसे जमा करवा लेंगे? नहीं, बात है ना, नकली जमा कराएगा भाई। मैं उसी बात पे दोबारा आ रहा हूँ, इसकी शोहरत हो रही है अब डबल ट्रिपल। हाँ क्या डबल ट्रिपल हो रही है इसकी शोहरत? हाँ अब ये इसको ऑफर होंगी तो वो भी यही होंगी। किस हीरो तो किस हीरो के साथ आप स्क्रीन शेयर करोगे? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। किस हीरो और हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन कौन सी पसंद है? किस हीरोइन के साथ आओगे? पाकिस्तानी नाम बताओ। इंडियन हीरोइन कौन सी ऐसी? इंडियन या पाकिस्तानी पहले ये बताओ। दोनों दोनों में से कोई बता दे। दोनों बताएं। हॉलीवुड की भी बता दे। कौन सी? मैं आऊंगा हीरोइन के साथ करिश्मा कपूर के साथ। तो करिश्मा कपूर के साथ आया कपूर के साथ फर्चून की दुकान है। अरे भाई करिश्मा कपूर तो रिटायर्ड हो गए ना, वो नई हीरोइन उन्होंने फिल्म छोड़ दी ना, नहीं करती छोड़ दी। इसके अलावा रहा जो चल रही है अभी ना, अभी चल रही है तो वही है। फिर सनी लियोन के साथ आ तो आएगा सनी लियोन के साथ जाएगा एम्बुलेंस में, उसके साथ नहीं आ जाऊं फिर? किसके? मियां खलीफा के साथ। ले भाई सब देखता है भाई, सब पता है इसको, सब पता है इसको। अबे जिस तरह की तेरी सेहत है तू खलीफा की नान का ताई खा। देख यार पिल्ले कैसी बात कर रहा है, तू हमारा मेहमान है, हम तेरी इज्जत कर रहे हैं। अच्छा ऐसा मेहमान अगर आपके घर आ जाए ना, एहतियातन एम्बुलेंस भी बुलवा के रखनी पड़ती है। और ऐसे मेहमानों को जो ना अक्सर पानी के पाइप के जरिए घर में बुलाया जाता है। और ये पाइप के ऊपर से नहीं आते, अंदर से आते। अच्छा एक बात बताओ सर, तुम्हारी फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड सेलिब्रिटी है, तुम्हारी फ्रेंड्स कहती हैं पिल्ले से तो मिलवा दो। हाँ कहती हैं। परसों भी मैं गई थी ना किसी रिश्तेदार के घर पे, तो वहाँ पे आई हुई थी फैन, मुझे लगा मेरी फैन मगर कह रही है पिल्ले तो है ही नहीं, जिनसे थोड़ी मिलना है। से मिलना ही है। आप कैसे अपनी सहेलियों से कैसे बचाती हैं इतने खूबसूरत? हकीकत समझेगी। देखो बात पता है, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स जो है ना, दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स जो है वो सदियों में पैदा होते हैं, और ऐसा स्टार जो है ना, ऐसा स्टार सिर्फ सर्दियों में पैदा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अच्छा आपने इसको डायरेक्ट प्रपोज किया था, ये कैसे, ये माना कैसे आपकी मोहब्बत? पहले आपने प्रपोज किया था, कबूतर तोते वगैरह रखे थे, डायरेक्ट प्रपोज किया था? इसने किया था मुझे प्रपोज। हाँ क्या बोला था? और तू मान गया था या फिर आपने कुछ किया था इसके लिए इंप्रेस हुआ? मुझे भी ये पसंद था मगर मैं बोलती नहीं थी, मैं चाहती थी पहले ये बोले। अच्छा यानी आपने प्रपोज किया और ये मान गया। अच्छा मुझे बताओ कि फ्यूचर में आप इसके लिए क्या कर लोगी? खुद ना बताओ। इसके लिए मैं अपने हाथ की नसें भी काट सकती हूँ, खून का फुहारा बहा दूंगी इसके लिए। ओए ओए ओए, तू क्या करेगा भाई इनके लिए? मैं भी इसके लिए फुहारा बहाता हूँ लेकिन हर हफ्ते पसीने का। अच्छा पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है पिल्ले भाई आप मिर्ची वाले पराठे बहुत खाते हो, ऐसा क्यों है? नहीं नहीं मिर्ची वाली चीजें पसंद है, सादी चीजें पसंद है। सादी सादी क्यों? मिर्च वाली क्या तंग करती है सुबह में? तंग नहीं करती क्योंकि मुंह कटा हुआ है ना। मुंह कटा हुआ नहीं ये। अच्छा ये देखिए जी, जब आया था ना फील्ड में 3-2-1 पिल्ले, हां ना कर नहीं आया उस वक्त, ये हां इसका रंग डार्क था। हां अभी देखिए ये गोरा हो रहा है। पैसा यार, पैसा बदल देता ना यार, ऐसे का रंग जो है ये पैसे का गोरा बना देता है। नहीं लोग की चाहत जो होती है ना वो आपको आपके चेहरे को खिला देती है। वाह वाह वाह, ये मोहब्बत करते हैं लोग। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, ये आप देखो मैं आपको एक सीरियस बात करूं ना, ये अभी हम थोड़ी देर पहले हम बैठे थे शो, ये सादा आदमी है इस आज इतनी मैंने बातें की, सादा आदमी है और ये हमारी तबीयत का आदमी है। और इसके लिए एक जुमला है हमारे लिए भी, हम भी दिल से बोलते हैं, हम देखते ना कोई एटीट्यूड वाले शोबिज में, हम देखते हैं तो हम देखते हैं गुरूर तकबूर, लोगों को हकीर समझते हैं, तो हम लोग को अक्सर ये कहते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा था, ये तुम्हारे लिए भी बात सूट करती है, कि आप गुरूर के नवाब होंगे, आप गुरूर के नवाब होंगे, हम सादगी के बादशाह हैं। वाह 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 वाह, ये सादा आदमी और ये सादा पंजो है ना, अल्लाह तुम्हें इससे और इज्जत देगा। आमीन। पिल्ले मंडी जाते हो, ये बकरा मंडी वगैरह जाते हो तो सिर्फ घूमने फिरने जाते हो या जानवर चेक करने? बहुत से लोगों को शौक होता है जानवर चेक। शदाई शदाई हाँ, कहाँ मंडी में कहाँ? तभी तुम ऐसा, तुम मंडी गए हो, तुमने बोला यहाँ तो यार ये चार टांग है, मुझे तो दो टांगों वाली मंडी जाना है यार। नहीं मैंने मतलब बकरों के, मुर्गियों के, मुर्गियों के, मुर्गियों के फार्म में जाने का मकसद दो टांगे होते हैं ना, ऐसा होता है जाते होता है। स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी? हाँ खेल कौन सा पसंद है? कौन सा? क्रिकेट खेलते हो या अकेला खेलता है कोई दूसरा बंदा ना? और कौन से खेल में आपका स्टैमिना ज्यादा है? हाँ मेरा, ये जो मैं बता रहा हूँ अकेले वाला, मेरा है फुटबॉल में। फुटबॉल में? फुटबॉल के ऊपर बैठ के खेलते हो? नहीं यार फुटबॉल तो भाई बर्गर बच्चे खेलते हैं। हाँ, मैं भी बर्गर। कंचे वंचे हैं तू? बर्गर है भाई? अच्छा कंचे वंचे खेलो, गुल्ली डंडा खेलो, ये बर्गर ही है। अच्छा अगर आप तमिल फिल्में देखो ना, उसमें सबसे पहला थप्पड़ ऐसे आदमी को पड़ता है, पटाक फिर फिल्म शुरू होती है। अच्छा बर्गर भाई बाप बताए, अगर ये पिल्ले स्टीवर्ड्स होता तो क्या होता? ये स्टीवर्ड होता ना, आप यकीन करो ये फ्लाइट से पहले ही कह रहा होता, मुझे कोई पैसेंजर काम का ना बोले, मेरा ऊंचाई में दिल घबराता है।
हवेश तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। ए, नहीं अच्छा। ये तो अच्छा। शो हो रहा है, शो हो रहा है, ये तो नॉर्मल बात है। बेइज्जती नहीं हो रही, ये तो शो अच्छा कर रहे हैं ताकि लोग एंजॉय करें, ताकि लोग एंजॉय करें। तो बात में बेइज्जती भी कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बेइज्जती में इजाफा कर रहे हैं। एक मिनट, बेइज्जती हो रही है तो फिर तुम मुझे कान में बोलो ना, फिर मैं कि तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। नहीं नहीं भाभी, हम तो इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इसका ये प्रोफाइल इंटरव्यू है इसका। हाँ, ये अच्छा इंटरव्यू है। बेटा आपको पता ही नहीं है ये आपकी साथी से शादी कर रही है, इसकी इतनी क्वालिटीज हैं यार, आप इसके सर पे छोटा सा पंखा लगा दो ना, ये उड़कर कहीं भी जा सकता है। ये छलांग मार के गिरता थोड़ी उड़ने लगता है, इसमें क्वालिटी है। ये मजाक नहीं, ये सिगरेट पी के धुआं छोड़ता है, ऐसा लगता है रस्सी को आग लग गई है। बताओ ऐसी क्वालिटी कहाँ मिलेगी, बताना क्या क्या क्वालिटी है। बहुत क्वालिटी है यार मेरे अंदर, लेकिन है ना तुम ये क्वालिटियां गलत नहीं बताओ, सही भी क्वालिटियां बताओ। इसके लिए क्वालिटी है, ये बात बात उल्टी करता है, ये भी बताओ क्या, थोड़ी देर बाद सीधी करता है। मैं क्वालिटी क्या बताऊं। नहीं यार, तुम खुश रहो, तुम मुस्कुराते रहो। आज मेरी तो दुआ है कि तुम दोनों की शादी हो, और मैं चाहता हूं कि पिल्ले तुम्हारी शादी हो, तुम लोग के बच्चे हो, और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुमसे 10 साल बड़े हो। लोग के पिल्ले के बच्चे कुछ तो चेंज हो, कुछ तो चेंज हो यार, पिल्ले से बड़ा है और लोग पिल्ले का स्कूल छोड़ने जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी कह के पिल्ले के बच्चे पिल्ले बच्चे दो ही अच्छे। बच्चे दो ही अच्छे, तो आपके कितना क्या प्लान है, मतलब के कितने बच्चे आप चाहते हैं, जो आपकी हैप्पी लाइफ जो है, अज़वाजी ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी क्या, अज़वाजी ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी जो है आपकी वो कैसी गुजरे, कितने बच्चे चाहिए, और आप भी सर आप कितने चाहती हैं, और आप कितने चाहते हैं, और आप दोनों कितने चाहते हैं। हाँ। यार बच्चे मैं इतने चाहता हूँ कि तीन बच्चे हो मेरे, तीन बच्चे। हाँ, क्योंकि बाकी अल्लाह की मर्जी, जितने अल्लाह पाक दे, लेकिन तीन का टारगेट, तीन का टारगेट, टारगेट मिला हुआ इसको, तीन का टारगेट। किसी से शर्त लगाई है क्या, किसी कंपनी ने टारगेट दिया? टारगेट तो कंपनी, टारगेट मतलब ये क्या रख सकते, घर वाले कहते ना, जैसे अब इसकी क्या कहते हैं खानदान में कह रहे हैं कि भाई पिल्ले हमें तीन बच्चे चाहिए, तो वो इस हिसाब से टारगेट कह रहा है। आपकी रिश्तेदारी तो नहीं है ना शहर से? खानदान में किसी लड़की से क्यों नहीं की है, अच्छा चला गया? नहीं नहीं, खाला और पप्पो से अगर शादी हो गए, हो जाती तो क्या होता, अगर उससे तुम्हारा कोई अफेयर हो जाता खाला है पप्पो की लड़की से, शादी कर लेते? नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। अच्छा, अच्छा, हाँ? 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 शादी नहीं करना चाहता, सही करता है। क्यों? क्योंकि यही बात हुई थी ना हमारी। हाँ? मेरा एक दोस्त है, आप यकीन करो ये सही कह रहा है, मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी फुप्पो की लड़की से शादी की। हाँ? वो कह रहा है यार बरकत, फुप्पो के या खाला की लड़की से शादी करना ऐसा है, आधी रात को बीवी के मुंह से चादर हटाओ ना तो ऐसा लगता है फुप्पो या खाला सो रही है, तो ऐसा होता है। इसलिए तो नहीं करना चाहता, शक्लें मिलती है, शक्लें मिलती है, इसलिए ना, इसलिए मिलती है। अच्छा, पिल्ले कभी किसी को डरा है? क्यों, मैं क्या भूत हो क्या? नहीं, ये मकसद थोड़ी था यार। नहीं, वैसे डराता नहीं है ये, तुमने इसको डराया? इसको डराया है। कैसे डराया? कैसे कैसे डराया? मास्क पहन के, मास्क पर। हाँ। और इससे बगैर मास्क के डराया? डराया इसने मास्क पहन के, डर गई बाजी। नहीं यार, नसीब अच्छा कर, ये पिल्ले यकीन करो इसकी हरकतें मैं आपको बता रहा हूं, कबूतरों को लड्डू वाले दाने डाल रहा था, मैंने बोला ये क्या, कह रहा यार वाले दाने खत्म हो गए ना, और उसमें चक्का आ गया था। हाँ, अच्छा ये पता क्या करता, मैंने नोट किया, मोबाइल को ना वाइब्रेट पे रखता है, वाइब्रेट पे रख के जेब में रख लेता, कॉल आती चक्रा के गिर जाती। ऐसा होता है? नहीं नहीं, अभी ये पता है दुनिया कारनामे करती है। हाँ, उनका रिकॉर्ड बनता है। हाँ, गिनीज बुक में आता है। हाँ, ये भी रिकॉर्ड बनाएगा ना, इसके लिए अलग बुक तैयार हो रही है। कौन सी? गलीज बुक, गलीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, इसे कारनामे बकायदा बताए जाएंगे, सब पे गुटके के निशान होंगे। हाँ। अच्छा, ऐसा बंदा जो ना पूरा यूरोप घूमकर पूछ रहा होता है यार ये लंदन किधर है। लंदन अमेरिका हर जगह घूमकर आया हुआ है, नक्शा बिछाया हुआ है क्या घर में पूरी दुनिया का? चादर की जगह नक्शे पे सोता है, ये नक्शे पे सोता है इसने। अच्छा अच्छा, पहले नक्शे में जाने मजा आता है कार में या बेकार कार में? कार में। मैं एक बात बता दूं, लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पे। क्या? इसने कार ले ली अपनी, माशाल्लाह वाली डोरी वाली। नहीं नहीं, क्या कह इसने, ये लोग कह रहे हैं कि यार पिल्ले को आप बुलाते हो, पिल्ले की बेइज्जती कर रहे हो, अब उन्हें क्या पता कि हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो करते करते बातें करने वाले बातें करते रहे, पिल्ले ने अपनी गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी ली है? कल्टस ली है यार, माशाल्लाह। करोला भी, सिविक और मर्सिडीज भी लेगा इंशाल्लाह। यार मैं एक बात बताऊं, अल्लाह ने जिसको इज्जत दी ना, बस उसकी इज्जत करो। ये आपने की अभी? पूरे शो में आपने की? अगर अल्लाह पाक ने मेरे को दूसरी गाड़ी दी ना, मैं गाड़ी जो पहली वाली गाड़ी है ना, मैं बरखट भाई को गिफ्ट करूंगा। वाह 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 वाह। सुनो ना, कौन सी गाड़ी? कौन सी? घर पे खड़ी हुई छोटी कागज वाली, वो वाली। अबे बरखट भाई के पास अपनी गाड़ी है जो ये रात को चलाते हैं टीवी ऊपर।
अच्छा 10 से 15 दिन साबुन इस्तेमाल होने के बाद जो ना ऐसा रह जाता है। आपका तो 2 दिन में हो जाता है। ये 2 दिन में साबुन किस देते आप? आपका मुंह तो वैसे ही रहता है। ये बड़ा क्लियर करने बैठा हुआ, क्लियर कैसे कर रहा है यार? आप मेरे पास 2 घंटे बैठो, आपका अच्छा क्लियर कर दूंगा, ये पहचानेगी नहीं। यार आप भी तो अपना लॉयर लेके आए हो। अब मेरा लॉयर रह गया, मैं भी बराबर सोफा बढ़ा के अपना लॉयर बैठाऊंगा। अरे सर कभी इनकी पिल्ले की जुए देख, मेरा जुए है नहीं, जुए नहीं देखे, ऐसा टटोला है मगर कभी मिली नहीं। टटोला है ना, देखा मैंने, मुझे अंदाजा था टटोला होगा। हां टटोला है, प्यार में कर रहा है, प्यार में नहीं यूं करते सर में। हां प्यार में कर रहा है। वाह 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 भाई, मतलब कैसे उस वक्त क्या, मतलब क्या होता है, क्या फीलिंग होती है? अपना सांस बंद करके प्यार करती हो? क्या होता है ये, आंखें बंद करके या नाक पे चटनी लगाती है, क्या करती है? नहीं दिल खोल कर प्यार करती हूं, दिल खोल के। मुझे लगता है इसकी शायद इसकी बारात में ना, मुझे लगता है इसकी बारात में तकरीबन 150 देके चढ़ेंगी गर्म पानी की, क्योंकि इसको नहलाना भी होगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं सहर, आपकी लव मैरिज है ठीक है, तो लव मैरिज अभी होगी मतलब ना, तो मुझे बताएं अगर आप ये बिजी आदमी हो गया है, अब अगर एक दो दिन यह आपसे ना मिले तो इसको मिस करती हैं, क्या तड़प महसूस होती है कि पिल्ला मुझे मिल नहीं रहा, गुस्सा करती हैं इस पर, क्या करती हैं? अबे जब नहीं मिलता ना मेरा तो दिल ही नहीं लगता घर पे। दिल करता मैं बाहर निकल जाऊँ, नहरों में निकल जाऊँ, कहीं जंगल चली जाऊँ। हैं जंगल, ऐसी जगह चली जाऊं, इसके इसके अच्छे भी नहीं ढूंढ पाए मुझे। इसके इसके अच्छे नामी है। अच्छा बोलिए, जंगलों में चले जाऊं तो ये क्या जानवर है? अल्लाह ना करे, हमारा दोस्त है। मतलब जंगल में जाके सुकून मिलेगा, वीरानियत होगी जंगल में। हाँ। उसकी याद में। हाँ। याद है, याद गाने गए कहीं दीप जले कहीं दिल, पुराने गाने पुराने जमाने के, पुराने गाने तो पुराने चलेंगे। अच्छा इन्होंने तो अपनी तड़प बता दी, तुम्हारे अंदर क्या तड़प है इनके लिए? मेरे अंदर, मेरे अंदर जब मैं नहीं मिलता हूँ ना सिर्फ 2 दिन, मेरे अंदर ऐसी तड़प पैदा होती है, मैं दिल करता है घर जाके इसको लेके आ जाऊँ। वाह, मैं बेचारा अभी कह मैं बाथरूम जाके नहाऊं, फ्रेश हूँ, फिर इसको लेने जाऊँ। हाँ। हाँ। तो इनकी इनके घर आने जाना है आपका? हाँ हम जाने। हाँ तो घर वाले इज्जत, इनके घर, इनके घर वाले दामाद इज्जत देते हैं, इनके घर वाले इज्जत। तो ये दामाद है ना भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यार ये बड़ी पाकिस्तानी मुआशरे में बड़ी अच्छी बात है कि दामाद को हाथ का छाला बना के रखते हैं। वाह वाह, हां भाई, मतलब इज्जत ना, ख्याल करते हैं भाई क्या खाओगे क्या पियोगे। दामाद की इज्जत होती है ना यार। अच्छा वो कहते हैं ना कि ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही मान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाले रखा है। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये पता है, ये 6 घंटे वॉशरूम में बैठ जाएगा लेकिन नहाएगा नहीं, क्यों? ये ऐसी कमाल बात है इसकी यार, ऐसा होता है क्या? वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाते हो? अरे नाश्ता बताने की जरूरत नहीं हो तो लगाते हो, मतलब क्या मोबाइल वगैरह बात चेक करते हो दादा? क्या यार मोबाइल क्या, नाश्ता हो यार। ईद, ईद के 3 दिन है। जानवर को दिन नहाना है आपने? हाँ नहीं नहीं, ईद के 3 दिन है। ये बकरा कौन से दिन कुर्बान कर दोगे अपना? मैं बकरा कुर्बान करूंगा इंशाल्लाह से चौथे, कौन से दिन? तीसरे ईद को। अरे बकरे की क्या चीज पसंद है जो आप शॉप से खाते हो? कटाकट 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 फटाफट खा लेते हैं, खा जाएगा फटाफट। कटाकट खाते हो? हां तो खुद बनाते हो? खुद ही बनाते हो घर में, कटाकट कटाकट। नहीं नहीं ये पता है, ये पाकिस्तान का रिवाज है ना आपको, कि जैसे ही बकरा ईद होती है कलेजी कलेजी ले आओ भाई। क्या यार ये, अच्छा, यार, अच्छा वैसे एक बात है यार, इसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि अपना मुंह बंद रखना हुआ, जो भी बात करनी होगी मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका मुंह ही खुला रहता है। यार बरखट भाई कसम खुदा की, जब से मैंने आपको देखना शुरू किया है ना, तब से मैंने कार्टून देखना ही छोड़ दिए। ये उस्ताद बना के लाए आज आइटम, जब भी आज कार्टून कौन से पसंद है इनके अलावा? आप देखो ये टॉम एंड जेरी भी कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पूरा दिन बगैर कपड़ों के घूमता है और जब नहाने जाता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेता है। और चूहा, मैंने देखा चूहा, चूहे के बच्चा होता है ना, जो होता है जेरी होता है, टॉम होता है, जेरी जेरी होता है, जेरी होता है, उसको वो डायपर पहनाता है और खुद ऐसे ही घूम रहा है। कैसी बात है यार तुमने, यार वैसे गलत बात है यार। देखो नहीं भाई, आपने, मैं कह रहा हूँ कि भाई पिल्ले आप दोनों शादी करो, खुश रहो, आमीन, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, आमीन, पिल्ले की शोहरत सलामत रहे, आमीन, आमीन। और पिल्ले आपने जो इंडिया का जिक्र किया था शुरू में, मैं चाहूंगा कि यार आप पाकिस्तानी मीडिया से भी कोई गिला कर दो। यार कसम से पाकिस्तान में तो कदर ही नहीं है भाई। यार वैसे ये बात सही कह रहा है, मैं इंडिया में होता ना अहमद भाई, सही कह रहा है, सही कह रहा है। ये अल्लाह, मैं सॉरी सॉरी पिल्ले भाई माजरत, अब मैं आपको बताऊं सच ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरा दिल कहता है अगर ये इंडिया में होता ना, ये बिग बॉस में सलमान खान के साथ खड़ा हुआ होता, क्योंकि इतना वायरल आदमी है, इंडिया तो इंडिया वाले लेकर आते हैं, इंडिया टैलेंट को सपोर्ट कर, इतना सारा टैलेंट देखता है ना, उसको ग्रूम करके उसको बड़ा कर देता, बड़ा कर देता। वाह वाह वाह, और इंडिया में उस शो का नाम है बिग बॉस, अगर ये उसमें जाता तो उसका नाम चेंज हो जाता, क्या बिग लॉस।
गिला कर दो भाई मीडिया से, गिला कर दो, बुलाते क्यों नहीं भाई? मेरी गिला है भाई, कदर करो टैलेंट की, कदर करो, फिर बाद में फिर पछतावा नहीं हो जाए आप लोग को। लेकिन टैलेंट बैठे हुए बरखत नहीं, नहीं, नहीं बेटा, हमें भाई ये टैलेंट अगर ये यहाँ ये सुनना नहीं, ये बड़ा टैलेंटेड आदमी था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ेगा। अफवाह फैला दो बरखत भाई, अफवाह फैला दो, अपनी गाड़ी नदी में बहा दो। मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका वारदात बता रहा हूँ, अपनी गाड़ी आप नदी में बहा दो, अफवाह फैला दो कि भाई बरखत भाई का एक्सीडेंट हो गया, ये वे बॉडी नहीं मिली और सिर्फ गाड़ी मिली है। अब सब टीवी चैनल आपके आर्टिकल छापेंगे, बरखत भाई बड़े टैलेंटेड थे, बड़े टैलेंटेड थे, और 15 दिन बाद वापस आ जाओ और वो गिरबान पकड़ लो चैनल का कि भाई क्या बोल रहे, बड़ा टैलेंटेड हूं, अब काम दो। काम तो है, लेकिन पता क्या, ये अगर ये होता ना, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, हम तो काफी काम, अल्लाह का शुक्र है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ इसको अगर लोगों ना, आप देखो यहाँ पता क्या बोलेंगे, अबे क्लास, अबे क्लास व्लास क्या क्लास यार, एक आदमी आएगा आपकी क्लास इनहेंस हो जाएगी, आपकी क्लास बढ़ जाएगी, अल्लाह आपकी क्लास में और बरकत दे यार। अब आप देखे ना, क्लास तो आवाम बनाएगी ना सर, आवाम डिसाइड करेगी। अब आप दोनों तो काम कर रहे हैं, आप लोगों को काम मिल रहा है, अब हम जैसे नए बच्चे, आप बच्चे हम जैसे नए बच्चों को काम नहीं मिल रहा। ये देखें, ये इनकी, ये इसको देखें, इसको ये ऐसा लग रहा है किसी ने सांप पे इस्तरी की, इसको देखें, इसको मेरा ये मानना है, और सांप पे अंदर की तरफ से इस्तरी। हाँ अच्छा, मेरा ये मानना है इसको इस टाइम ड्रामे करने चाहिए थे, लीड पे ड्रामा, ताकि लोगों को नफरत हो जाए ड्रामों से। ये फिल्म करेगा, आप देखना फिल्म करेगा, ड्रामे करेगा। फिल्म ऑफर हुई है, कोई टेंशन नहीं, हम अपनी फिल्म बनाएंगे, मैं बरखत भाई उसमें है, हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी फिल्म बनाएंगे, है ना, और आवाम देखेगी उसको, आवाम के प्यार से। अगर जिस आवाम से इज्जत मिले ना, ये बार बार कहता हूँ, जिस आवाम से इज्जत मिले उस आवाम को बेइज्जत नहीं करना, नहीं करना, अल्लाह की दीवी इज्जत और आवाम की दीवी इज्जत का नाजायज फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी आवाम का, खासतौर पर आई लव यू ऑल जो हमें हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान से बाहर जो भी, इंडिया की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, दुनिया की आवाम देखा जा रहा है हमारा, जहाँ देखा जा रहा है उनका बहुत शुक्रिया, शो को पसंद कर रहे हैं। और अच्छा, सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्योंकि हमारा कंटेंट जो लोग देख रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, क्या हो गया, हम गाड़ी वाड़ी ले लेंगे। ये आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के देखने से, प्यार ही है, प्यार ही है, प्यार प्यार ही है, कुछ नहीं है, पहले तेरी मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी तो है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये हंसता इसके दांत ही आपस में चिपके रहते हैं, वो भी नहीं खोल पाता। नहीं नहीं यार, अल्लाह करे तो हमेशा मुस्कुराता रहा। सबसे आखिरी बार कब मुंह खोला था आपने? वो नहीं बताइयो, पूरा मुंह कब खोला था? जब लॉलीपॉप खा रहा था। लॉलीपॉप खाया था बच्चों ने। अच्छा, पता है कितने दांत सही हो सकते हैं, कैसे सुबह सुबह निहार मुंह जो है ना, ये बच्चों की चूसनी चूसा कर, ये केले का छिलका होता है अंदर की तरफ से, वो रगड़ो। हाँ ये सही कह रहा, हाँ उससे दांत साफ हो जाए सोडे के साथ। तुम लोग तो बैठ गए हो लेके इसको। अरे ये कैसा लगेगा आपको जब लोग कहेंगे मिसेस पिल्ले जा रही है? कहने दो, क्या मैं तो खुश होंगी। अच्छी बात, अच्छी मिसेस पिल्ले यार, ये नाम लोग तो, ये बच्ची सही कह रही है, नाम से हिट होना कोई आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। आप 3-2-1 आप यूट्यूब पे लगे, 3-2-1 पिल्ले, अरे यूट्यूब से आवाज आती है पिल्ले। भाई बच्चन साहब ने कौन बनेगा करोड़पति करते हैं ना वो, हाँ उन्होंने अपना डायलॉग चेंज कर दिया, उन्होंने कहा 3-2-1। अरे भाई हॉलीवुड की फिल्मों में, हाँ ये होती है ना, ये छोटी वाली फिल्में हैं उसमें, हाँ 3-2-1 पिल्ले के बाद शुरू हो रहा बन रही इस तरह की कोई चीज है। चलो यार खत्म करो यार, माजरा दिया, आई लव यू। कुछ भी हो, चल बंदे ने शौहरत कमाए, मस्ती मजाक में भी लेता है सब, क्योंकि पिछला टाइम भी इतना क्या बोलते ना, फिर भी आया है दूसरी बार, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आया है। तो क्या क्या मस्त लिया, बराबर लिया बरगद का, उसने 3-4 बार लिया, मस्त लिया उसने एकदम से, और छोड़ उसकी तो लड़की भी बीच में 2-3 बार ले ली उसने उसकी, अगर नाम से मशहूर होना कोई खाने का खेल नहीं, भले वो 3-2-1 है, बट या पिल्ले जो भी है अच्छा लगा यार मेरे को, नाम बना लिया, नाम बना लिया, पैसे कमा रहा है।
तीन बच्चों का टारगेट है। चलो ठीक है, जंगल चली गई तो कैसे रहेगा टारगेट? नहीं वो खींच के लेके आएगा, उसकी भी जाना पे पहले नहा नहीं जाएगा वो, बट वेबसाइट पे आएगा ये, समझा करो कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा है। तो मियां खलीफा के साथ काम करना है, काश उसकी विश पूरी हो जाए। मैं इतना कुछ आ रहा ना बोल नहीं सकता मैं बाबा। बोल दिया ना यूट्यूब ने पहले वीडियो बना देना है, पहले ही निकाल देगा रिस्ट्रिक्टेड खत्म। बड़ा अच्छा था, प्यार ऐसा होना चाहिए इंदर, इस तरह कोई प्यार करने वाला चाहिए। लेकिन एक और बात सही बोली बरकत ने, दामाद को बोलते ना ससुराल वाले इतना हथेली पे क्यों रखते हैं? क्यों रखते? क्योंकि उन्होंने उनके घर का तूफान संभाल के रखा है। नाइस नाइस नाइस, हमारी प्रॉब्लम संभाल रहा है सारी, सारी थोड़ा तो सुकून दो जरा, इसके लिए रख सकते। मेरे मत बोला मत ले, मेरे तो ऐसे दिमाग आ रहा है, ऐसा सोच रहा हूँ पिल्ले और नहीं बिग लॉस बिग बॉस को ठीक है। हम और पॉडकास्ट देखेंगे गाइस, आप लोगों को बस सजेस्ट करना है हमें। yes. तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।